Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, assalamu alaikum. As you know, we have started our novel, The Old Man and the Sea, and this is its summary which we are discussing. And today it is the second day of old man's struggle there in the sea for catching some fish. Let's see what happened there out in the sea. Come on, please. Novel mein dusre din kya hua tha usse janne se pehle zara थोड़ा सा अपना जो फर्स्ट डे है उसको रिवाइज कर लें. और हमें ये बताया गया था दैट सेंटियागो हैज़ बीन ट्राइंग टू फिश कैच द फिश फॉर 84 डेज. 84 डेज तक वो मछली को पकड़ने की कोशिश करता रहा है और नाकाम होता रहा है. और मैनोलिन जो है वो पहले 40 डेज जो है वो उसके साथ था, ठीक है. और इस नाकामी की वजह से पीपल स्टार्ट कॉलिंग हिम आसलव, राइट. और फिर यह है कि उस बच्चे को भी उसके वालदैन ने उसको हटा लिया कि तुम इसके साथ ना जाओ, किसी अच्छे जो लकी फिशरमैन है उसके पास, उस कश्ती में जाओ, ठीक है. फिर ये बात हुई थी कि ये सेंटियागो जो है मैनोलिन के साथ वो होटल जो है टेरेस वहाँ पे जाता है, वहाँ पे माहीगीर जो है दूसरे फिशरमैन दे मेक फन ऑफ हिम बट ही डजंट माइंड. नेक्स्ट जो है फिर ये वहाँ से कुछ खा पी के मैनोलिन और सेंटियागो ये चल पड़ते हैं इधर उसकी झोंपड़ी की तरफ. उसके झोंपड़ी के अंदर का नक्शा जो है वो उसने बताया हुआ है, वो हमने देखा था कि किस तरह से है वो, उसमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं. फिर आगे वाली इम्पोर्टेंट बात ये थी कि जो सेंटियागो है वो जो डिमेक्यो है उसका बड़ा फैन है, ये बेसबॉल का प्लेयर है. और जो लास्ट चीज़ है कि जब बच्चा जो है वो चला जाता है शाम को, उससे रवाना हो जाता है, तो फिर वो सो जाता है और ख्वाब देखने लग जाता है अफ्रीका के साहल के और फिर वो लायंस के और जो मुख्तलिफ किस्म के जानवर हैं. ये बेटा वो चीज़ें हैं जो हमने डिस्कस की थी. नाउ वी स्टार्ट आर सेकंड डेज लेसन. देखते हैं कि दूसरे दिन जो है वहाँ पे क्या हुआ था. देखिए क्या है. द नेक्स्ट मॉर्निंग बिफोर सनराइज द ओल्ड मैन गोज टू मैनोलिन्स हाउस. द ओल्ड मैन गोज टू मैनोलिन्स हाउस टू वेक द बॉय. लकी जगाने के लिए उसके घर जाता है, ठीक है. द टू हेड बैक टू सेंटियागोस शेक. उस झोंपड़ी में वापस आ जाते हैं दोनों. कैरी द ओल्ड मैनस गियर टू हिज बोट. और बूढ़े आदमी का जो सामान है वो फिशिंग का उसको उसके बोट में ले जाते हैं. एंड ड्रिंक कॉफ़ी फ्रॉम कंडेंस मिल्क कैंस और कंडेंस जो वो डिब्बे वाला दूध जो होता है उससे कॉफ़ी पीते हैं. सेंटियागो हैज स्लेप्ट वेल एंड इज कॉन्फिडेंट अबाउट द डेज प्रॉस्पेक्ट्स. सेंटियागो बड़ा अच्छा सोया है और आज का जो दिन है उसके बारे में वो बड़ा ही कॉन्फिडेंट है. ही एंड मैनोलिन फॉट ऑन द बीच. बीच में वो अलग हो जाते हैं एक दूसरे से, विशिंग ईच अदर गुड लक. और दोनों को वो गुड लक कहते हैं और अलग हो जाते हैं. अच्छा जी, नेक्स्ट क्या होता है. द ओल्ड मैन रोज स्टेडली अवे फ्रॉम शोर. अब वो कश्ती में बैठ के तो इस साहल से वो दूर होने लग जाता है टुवर्ड द डीप वाटर्स ऑफ द गल्फ स्ट्रीम. गल्फ स्ट्रीम के जो पानी हैं उनकी तरह वो चल पड़ता है, ठीक है. यहाँ से एक्शन हमारा शुरू हो गया है. ही हियर्स द लीव्स एंड विल्स ऑफ द फ्लाइंग फिश विच ही कंसिडर टू बी हिज फ्रेंड्स. वो जो उड़ने वाली छोटी छोटी मछलियाँ हैं उनको वो उनकी आवाज़ों को सुनता है ऊपर नीचे जाते हुए और उनको अपना फ्रेंड्स कहता है. एंड थिंक्स विद सिंपथी ऑफ द स्मॉल फ्रेल बर्ड्स. और इन छोटी सी और जो कमज़ोर से परिंदे हैं उनके बारे में उसे बड़ी हमदर्दी होती है. दैट ट्राई टू कैच दैम. वो जो इसको पकड़ने की कोशिश करते हैं इन मछलियों को. ही लव सी. अच्छा यहाँ पे देखें, ही लव सी. वो समंदर से प्यार करता है. ये चीज़ जो है वो सेंटियागो के करेक्टर पे भी रोशनी डालती है कि ये किस तरह से लवर ऑफ नेचर है. दो एट टाइम्स अगरचे बाज़ुकात इट कैन बी क्रूअल. ये बड़ी क्रूअल हो सकती है. ही थिंक्स ऑफ द सी. वो समंदर को क्या समझता है. अ विमन, एक औरत समझता है जो के whose wild behavior is beyond her control. जो जिसके के अपने कंट्रोल में नहीं है उसका
वो रवैया जो होता है वाइल्ड द ओल्ड मैन ड्रॉप्स हिज बेटेड फिश, आपने जो वो बेचारा है जिनकी वजह से उसने पकड़नी होती है फिश, उन लाइन्स को या डोरियों को डालता है टू वेरियस मेजर डेप्थ्स एंड रोज एक्सपर्टली टू कीप देम फ्राम ड्रिफ्टिंग विद द करंट, और वो मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ गहराइयाँ जो हैं उसमें अपनी वो डोरियाँ डालता है और बड़े ही माहराना अंदाज में उनको लहरों से बचा कर रखता है। अबव ऑल एल्स ही इज प्रिसाइज, वो बहुत ही मुख्तसर सा काम करता है। सन कम्स अप, सूरज जो है ना जी वो चूँकि सुबह सुबह निकला है और यहाँ पे अब सूरज निकल आया है। सैंटियागो कंटिन्यूज टू मूव अवे फ्रॉम शोर, साहल से वो दूर होता जा रहा है अभी भी, ऑब्जर्विंग हिज वर्ल्ड एज ही ड्रिफ्ट्स अलोंग, और जो वो जाता है तब तक अपनी वो उस दुनिया को भी देखता जाता है। ही सीज फ्लाइंग फिश परसूड बाय डॉल्फिन, वो देखता है कि डॉल्फिन जो हैं वो पीछे आ रही हैं वो छोटी छोटी फ्लाइंग फिश के पीछे, और सर्कलिंग सी बर्ड, सर्कलिंग जो वो घूमते जो सी बर्ड्स हैं उनको देखता है। सर्गेसो वीड, सर्गेसो वीड है ये एक वीड का नाम है, अ टाइप ऑफ सी वीड फाउंड इन द गल्फ स्ट्रीम, जो कि गल्फ स्ट्रीम में पाई जाती है। द डिस्टेस्टफुल पर्पल ऑफ पुर्तगीज मैन ऑफ वॉर, और ये जो मैन ऑफ वॉर हैं पुर्तगाल के उनके लिए एक बहुत अच्छी चीज़ नहीं है, टेस्टी नहीं। एंड द स्मॉल फिश दैट स्विम, और छोटी सी मछली को देखते हैं, दैट स्विम अलॉन्ग द जेली फिश लाइक क्रिएचर्स फिलामेंट, जो कि जेली फिश की तरह की किसी मखलूक के थ्रेड्स के इर्द गिर्द वो घूमती है। रोइंग फार्दर एंड फार्दर आउट, ज़्यादा दूर से दूर होते हुए सैंटियागो फॉलोज द सी बर्ड, सैंटियागो जो है वो समंदरी परिंदों के पीछे जाता है। दैट इज हंटिंग फॉर फिश, जो कि मछली को पकड़ रहे हैं। यूजिंग इट एज गाइड, और उनको ये गाइड की तरह से उस परिंदे को या उन वो जो परिंदा है उसको ये समझता है। देखें यहाँ पे फिर जो सैंटियागो है उसके करेक्टर पे रोशनी पड़ती है कि वो किस तरह से एक एक्सपर्ट इंसान है और समंदर को और नेचर को किस तरह से वो बेहतरीन तौर से समझता है। वो जो सी बर्ड है वो उसके पीछे पीछे चलने लग जाता है, जैसे जैसे वो फिश को हंट करता है ये समझता जाता है कि हाँ भाई यहाँ यहाँ जो है वो मछलियाँ हैं, तो उसने उस सी बर्ड के को फॉलो करने में भी उसकी एक ख़ास हिकमत अमली है। सून वन ऑफ द ओल्ड मैनज लाइन्स, जल्द ही ये जो उसने डोरियाँ ओल्ड मैन ने डाली थी गोज टॉट, वो टाइट होती है उनमें से एक जो डोरी है। ही पुल्स अप आर 10 पाउंड टोना, उसने जब निकाला तो उसमें 10 पाउंड की टोना, टोना जो है ये फिश का नाम है, वो निकलती है। विच ही सेज आउट लाउड, जिसको वो कहता है विल मेक अ लवली पीस ऑफ बेट, जिसको कि वो बड़ा अच्छा बेट के तौर पर फिर से चारे के तौर पर यूज़ करेगा। ही वॉन्डर्स व्हेन ही डेवलप्ड द हैबिट ऑफ टॉकिंग टू हिमसेल्फ, वो उसे हैरत होती है कि ये अपने आप से बातें करने की जो आदत है इसे कब पड़ी थी। ठीक है, बट ही डजंट रिमेंबर, लेकिन उसे याद नहीं कुछ आता। ही थिंक्स, वो ये समझता है दैट इफ द अदर फिशरमैन हर्ड हिम टॉकिंग, अगर दूसरे फिशरमैन उसे सुन लें तो दे वुड थिंक हिम क्रेजी, वो उसे पागल समझेंगे। ऑल दो ही नोज ही इजेंट, अगरचे वो जानता है कि वो ऐसा नहीं है। इवेंचुअली आखिरकार द ओल्ड मैन रियलाइज दैट ही हैज सेल्ड सो फार आउट, वो इतना वो समझता है कि वो इतना दूर अब आ चुका है, दैट ही कैन नो लॉन्गर सी द ग्रीन ऑफ द शोर, के वो अब साहल के वो जो सबज़ या सबज रंग जो है वो उसे नज़र नहीं आता। वैन द प्रोजेक्टेड स्टिक, जो उसने खड़ी की होती है स्टिक, दैट मार्क्स द टॉप ऑफ द 100 फैदम लाइन डिप्स शॉर्पली, वो जो स्टिक है जब वो नीचे तेजी से नीचे वो डिप हो जाती है, सैंटियागो इज श्योर दैट द फिश टगिंग ऑन द लाइन, के वो वाली फिश जो कि इस लाइन को या इस डोरी को टाइट कर रही है इज ऑफ अ कंसिडरेबल साइज, वो एक बहुत बड़े साइज की है, बहुत बड़ी जिसामत की है। देखें इस सेकंड डे में बार बार उसकी एज अ फिशरमैन उसकी जो महारत है उसके ऊपर रोशनी पड़ती है और उसके करेक्टर पर कि ये
आम फिशरमैन नहीं है, बहुत समझदार और बड़ा एक्सपर्ट आदमी है, ठीक है। लेकिन एक्सपर्ट होने के बावजूद और इस तरह से बाकी क्वालिटीज़ होने के बावजूद वो मेहनत करता है, ठीक है। हमारे यहाँ ये है ना कि जो बंदा एक्सपर्ट हो जाए वो समझा जाता है कि अब ये अपनी उस तजर्बे से फ़ायदा उठा के जो दूसरों को बताया वो खुद से मेहनत नहीं करता। लेकिन यहाँ पे जो है उसके बिल्कुल उलट है, वो अपने एक्सपर्ट होने के साथ साथ मेहनत भी कर रहा है और पिछले 84 दिन से कर रहा है। एंड ही प्रेज दैट इट विल टेक द बेट, वो दुआ करता है कि वो उस चारे को ले ले। द मार्लिन प्लेज विद द बेट फॉर अ वाइल, थोड़ी देर के लिए मार्लिन जो है उस चारे के साथ खेलती है। आपने ये मार्क करना है, इसको देखते रहना है कि ये क्या चीज़ है। ये मार्लिन का जो करेक्टर है उस पर भी एक रोशनी डाल रही है कि वो मार्लिन जो है वो शी इज़ क्वाइट सेंसिबल एंड वेट इट गोज इट डज फाइनली टेक द बेट। जब वो उस चारे को ले लेती है इट स्टार्ट्स टू मूव विद इट, वो उसके साथ ही मूव करने लग जाती है, ठीक है। पहले तो उसने उस चारे को लेने में टाइम लिया है, ठीक है, लेकिन वो जब चारा उसने ले रही है तो फिर उसके साथ ही वो भाग पड़ती है लेके उसे, पुलिंग द बोट और बोट को भी वो खींच रही है। द ओल्ड मैन गिव्स अ माइटी पुल, ओल्ड मैन जो है एक बहुत सख्त किस्म का ताकतवर किस्म का उसे झटका देता है, पुल करता है। देन अनदर, फिर एक और, बट ही गेन्स नथिंग, लेकिन उसे कुछ हासिल नहीं होता। द फिश ड्रैग्स एस्केप फार्दर इन टू द सी, ये जो फिश है वो मजीद दूर इस स्केफ या कश्ती को समंदर में ले जाती है। नो लैंड एट ऑल इज विजिबल टू सेंटियागो, नो, अब सेंटियागो को कोई ज़मीन जो है वो नज़र नहीं आ रही। अच्छा, यहाँ तक तो देखिए उसने उसको हुक कर लिया है, उस फिश को पकड़ लिया है, अपने जाल में ले आया है, वो जो लाइन है उसको उस लाइन में आ गई है, उस डोरी के साथ वो बंध गई है, उसने उसका चारा जो है वो निगल लिया। अब क्या है, ऑल डे, इस सारा दिन अब जब से उसने वो चारा खाया है, ऑल डे द फिश पुल्स द बोट, वो बोट को खींचती है। एज द ओल्ड मैन ब्रेसिस द लाइन विद हिज बैक एंड होल्ड इट टॉट इन हिज हैंड्स, और जो बूढ़ा आदमी है वो क्या करता है कि वो उस डोरी को, उस लाइन को अपने हाथ और अपनी बैग उसके साथ उसको टाइट पकड़ के रखता है, रेडी टू गिव मोर लाइन इफ़ नेसेसरी, और वो इसके लिए भी तैयार है कि उसे मज़ीद डोरी दी जाए अगर ऐसा ज़रूरी हुआ तो। द स्ट्रगल गोज ऑल द नाइट, लो रात हो गई है, ये इसे तीसरा नंबर दे लें, अब देखिए रात हो गई है और स्ट्रगल जो है वो जारी रहती है। एज द फिश कंटिन्यूज टू पुल द बोट, जबकि ये बोट को खींचती ही रहती है। द ग्लो गिवन ऑफ बाई लाइट्स ऑफ हवाना ग्रेजुअली फेड्स, वो हवाना के साहल से जो लाइट्स आ रही थी आहिस्ता आहिस्ता वो भी फेड हो जाती हैं, धुंधला जाती हैं, दूर हो जाती हैं, क्योंकि जो मछली है उसे समंदर में काफ़ी आगे अंदर की तरफ ले जाती है खींच के। सिग्निफाइंग दैट द बोट इज़ द फारदेस्ट फ्रॉम श्योर इट हैज़ बिन सो फार, कि ये अब तक आए जाने से सबसे ज़्यादा अब इस साहल से दूर आ गई है बोट। ओवर एंड ओवर, कभी कभी ओवर एंड ओवर बल्कि बार बार। द ओल्ड मैन विशेज़, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, बूढ़ा आदमी जो है वो ख्वाहिश करता है, ही हैड द बॉय विद हिम, के काश जो लड़का है वो उसके साथ होता। ये भी जो सेंटियागो है उसका करेक्टर शो करता है, ये अब उस बच्चे के लिए लव को शो कर रहा है। वेन ही सीज टू पोर फिजिज, ये मछली का नाम है, प्लेइंग इन द वाटर, दो मछलियों को जब वो खेलते हुए देखता है, सेंटियागो बिगन्स टू पिटी हिज क्वेरी, जो सेंटियागो है वो अपने शिकार पे तरस खाता है। टू कंसिडर हेम आ ब्रदर, उसे भाई कहता है, ही थिंक्स बैक टू द टाइम, वो उस टाइम को याद करता है, दैट ही कॉट वन ऑफ अ पेयर ऑफ मार्लिन, जब उसने मार्लिन का एक जो है वो उस जोड़े को, उनमें से एक को पकड़ा था। द मेल फिश लेट द फीमेल टेक द बेट, मेल जो फिश है उसने फीमेल को चारा खाने दिया। देन ही स्टेड बाय द बोट, और फिर वो बोट के साथ ही खड़ा हो गया, वो जो मेल मार्लिन था। एज द इन, फिर वो मेल जो मार्लिन है, जो फिश है, वो काफ़ी देर तक बोट के साथ रहा,
जैसे कि उसे अफसोस हो रहा, वो मातम के अंदाज में, एज दो इन मॉर्निंग, ऑल दो द मेमोरी मेक्स हिम सैड, अगरचे इस याद ने उसे सैड कर दिया। सेंटियागो डिटर्मिनेशन इज अनचेक्ड, जो सेंटियागो का अजम है वो बिल्कुल अनचेक्ड है, बिल्कुल पक्का है। एज अ मार्लिन स्विम्स आउट, मार्लिन जब ऊपर आती है, स्विम्स आउट, थोड़ा तैरती है, ओल्ड मैन गोज, और ओल्ड मैन जो है वो बियॉन्ड ऑल पीपल इन द वर्ल्ड, सब लोगों से आगे निकल जाता है टू फाइंड हिम, इस मार्लिन को फाइंड आउट करने में वो सारी सारे लोगों से आगे निकल जाता है। तो नेक्स्ट क्या है, द सन राइजेज एंड द फिश हैज़ नॉट टायर्ड, सारी रात जो है उसने पकड़े रखा है इसको, और ये स्ट्रगल भी चलती रही है ये, और अब नेक्स्ट जो है वो ये एक नया दिन कह लें वो चढ़ आया है, सूर्य निकला है, और जो फिश है वो अभी तक हुई नहीं, थकी नहीं है, दो इट इज़ नाउ स्विमिंग इन शेलवर वाटर्स, अगरचे कि ये अब कम जो पानी है, कम गहरे पानी उनमें तैर रही है। द ओल्ड मैन कैन नॉट इंक्रीज द टेंशन ऑन लाइन, उस लाइन के ऊपर वो मजीद टेंशन या दबाव जो है वो बढ़ा नहीं सकता था, बिकॉज इफ़ इट इज़ टू टॉट, अगर ये इसको ज़्यादा टाइट कर दिया जाता है, इट विल ब्रेक, तो ये डोरी जो है वो टूट जाती, एंड द फिश विल गेट अवे, और फिश जो है वो निकल जाती। ऑल्सो इफ़ द हुक्स मेक्स टू लॉन्ग टू बिग अ कट इन द फिश, इसी तरह से उसके खींचने से अगर वो फिश वो जो हुक है वो बहुत ज़्यादा कट लगा देती है उसके अंदर, जो कि उसके जिस्म के अंदर चला गया हुआ है वो हुक, तो क्या होना था, द फिश मे गेट अवे फ्राम इट, तो इस तरह से भी वो उसका उसकी स्किन फट के जा सकती थी और वो निकल सकती थी। सेंटियागो होप्स, सेंटियागो को ये उम्मीद करता है, दैट द फिश विल जंप, के फिश जो है वो जंप करेगी, कैसे और क्यों उसे पता चला है, बिकॉज इट्स एयर सैक्स वुड फिल, उसके जो एयर बैग्स जो हैं वो भर चुके होंगे, एंड प्रिवेंट द फिश फ्राम गोइंग टू डीप इन टू द वाटर, और वो फिश को मज़ीद पानी में जाने से रोकेंगे। ये देखिए, ये अगेन सेंटियागो का जो करेक्टर है उसको शो कर रहा है, उसके नॉलेज को शो कर रहा है, नॉलेज ऑफ द सी विच वुड मेक इट ईजियर टू पुल आउट, और ये चीज़ जो है जब वो ऊपर उठेगी, जंप लगाएगी, तो फिर ये चीज़ जो है वो उसके लिए बड़ा आसान हो जाएगा उसे पुल करना। अ येलो वीड अटैक्स टू द लाइन, वो येलो कलर की जो वीड है उस पर अटैक करती है, हेल्पिंग टू स्लो द फिश, और फिश को वो आहिस्ता कर देती है, और सेंटियागो कैन डू नथिंग, सेंटियागो जो है वो कुछ नहीं कर सकता, बट होल्ड ऑन बजाय सवाए इसके कि वो उसको पकड़ के रखे। ही प्रेजिस हिज लव एंड रिस्पेक्ट टू द फिश, वो अपना लव अब उस फिश के लिए जाहिर करता है, बट ही नेवर दिलेस प्रोमिस, लेकिन वो ये प्रोमिस जरूर करता है दैट ही विल किल हिज अपोनेंट बिफोर द डे एंड्स, इस दिन के इख्तिताम तक अपने ये इस मुखालिफ को वो मार देगा, इस चीज़ का वो ज़रूर प्लेज करता है, यानी वो वादा आज के लिए इतना ही, बेस्ट ऑफ लक।